नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त आशीष अग्रवाल और आप सभी देख रहे हैं फ्रेंचाइज बताओ। दोस्तों, फ्रेंचाइज बताओ पर मैं आज से एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूं जिसका नाम है फ्रेंचाइजी स्कूल। जी हां दोस्तों, फ्रेंचाइजी स्कूल के नाम से आपको प्लेलिस्ट पर ऑप्शन मिल जाएगा और फ्रेंचाइजी स्कूल पर आने वाले सभी वीडियो आपको वहां पर मिल जाएंगे। इस फ्रेंचाइजी स्कूल में मैं आपको क्या बताने वाला हूं, सबसे पहले फ्रेंचाइजी क्या होती है, फ्रेंचाइजी के मॉडल्स कितने होते हैं, साथ ही साथ कौन कौन सी फ्रेंचाइजी होती हैं, फ्रेंचाइजी लें या ना लें, अगर आप फ्रेंचाइजी लें तो किन बातों का ध्यान रखें, अगर आप अपने बिजनेस की फ्रेंचाइजी देना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही साथ आप किसी फ्रेंचाइजी को कैसे कैलकुलेट करें कि वो अच्छी फ्रेंचाइजी है या नहीं है, और इसके अलावा आप कोई भी पॉइंट चाहते हैं कि मैं इस फ्रेंचाइजी स्कूल के टॉपिक में कवर करूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि फ्रेंचाइजी क्या होती है, साथ ही साथ फ्रेंचाइजी के मॉडल कौन कौन से होते हैं और कौन कौन सी फ्रेंचाइजी आज के दिन प्रॉफिटेबल फ्रेंचाइजी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्लेलिस्ट को अधिक से अधिक शेयर करिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझेंगे कि फ्रेंचाइजी क्या होती है। जैसे ही आप वर्ड फ्रेंचाइजी सुनते हैं तो आपको माइंड में क्या आता है, क्या चीज आपकी उभर कर आती है, तो हम समझते हैं कि फ्रेंचाइजी क्या होती है। फ्रेंचाइजी से हमारा मतलब होता है किसी जाने माने ब्रांड को जो ऑलरेडी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर अपने लिए बिजनेस स्टार्ट करना। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं अमूल का। अमूल एक बहुत जाना माना ब्रांड है। अगर आपको नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप अमूल से कॉन्टैक्ट करोगे और अमूल के बिजनेस को अपने शहर में स्टार्ट कर लोगे। नाम अमूल का रहेगा, इन्वेस्टमेंट आपकी रहेगी, प्रॉफिट आप कमाओगे। अब दोस्तों, फ्रेंचाइजी क्यों लें? देखिए दोस्तों, हो सकता है कि आपका पैसा हो लेकिन आइडिया ना हो, और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि आपका पैसा भी हो और आइडिया भी हो, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो आपका आइडिया है वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पर सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जैसे कि आज के दिन आप डोमिनोज, अमूल, मैकडी, इस तरह की कोई भी फ्रेंचाइजी अपने शहर में स्टार्ट करेंगे तो उनके फेलियर होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कंपनी की भी एक्सपर्टाइज मिलती है और साथ ही साथ आपकी अपनी भी एक्सपर्टाइज होती है। तो जब दो लोग मिलकर एक बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, इस बिजनेस को हम कहते हैं फ्रेंचाइजी बिजनेस। सो यहाँ पर दोस्तों, ब्रांड आपका नहीं होता है लेकिन इन्वेस्टमेंट आपकी होती है, प्रॉफिट आपका होता है, और दोस्तों आप किसी दूसरे के ब्रांड को स्टार्ट करते हो प्रॉफिट कमाने के लिए, ये होता है फ्रेंचाइजी बिजनेस। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर यूज होने वाले दो टर्म जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। सबसे पहला टर्म है फ्रेंचाइजी और दूसरा टर्म है फ्रेंचाइजर। फ्रेंचाइजी कौन होता है और फ्रेंचाइजर कौन होता है? दोस्तों, फ्रेंचाइजी उसे हम कहते हैं जो बिजनेस ले रहा है, जो किसी दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है और उस बिजनेस को शुरू कर रहा है, उसे हम फ्रेंचाइजी कहते हैं। फ्रेंचाइजर कौन होता है? दोस्तों, ब्रांड का ओनर, या फिर हम ये भी कह सकते हैं जो कंपनी का मालिक है, जो फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उसे हम फ्रेंचाइजर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम दोबारा अमूल का एग्जांपल लेते हैं, तो जो अमूल के ओनर हैं, एमडी हैं, जो आपको फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, उसे हम फ्रेंचाइजर कहते हैं। और आप अमूल में पैसा लगा रहे हैं, आप अमूल में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनका बिजनेस अपने शहर में शुरू कर रहे हैं, तो आप फ्रेंचाइजी हैं। ये आप अब दोस्तों, फ्रेंचाइजी कितने टाइप की होती हैं, कितने मॉडल्स होते हैं फ्रेंचाइजी के, ये मॉडल्स आपको जानने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि जब भी आप कोई फ्यूचर में नया बिजनेस शुरू करना चाहेंगे तो आप ये जानना चाहेंगे कि जो आपको फ्रेंचाइजी मॉडल दिया जा रहा है वो कौन सा फ्रेंचाइजी मॉडल है। दोस्तों, फ्रेंचाइजी मॉडल में बहुत सारी बातें होती हैं, अगर आपको अच्छे से फ्रेंचाइजी मॉडल पता है तो हो सकता है कि आप बहुत आसानी से प्रॉफिट अर्न कर लें। तो यहाँ पर बेसिकली तीन टाइप के फ्रेंचाइजी मॉडल होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो मॉडल है वो मॉडल है फ्रेंचाइजी ओन्ड, फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, FOFO। फ्रेंचाइजी ओन्ड से मतलब हमारा क्या है कि जो पैसा लगा है पूरा वो फ्रेंचाइजी का लगा है, मतलब आपका लगा है जो बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं। फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड मतलब जो दिन रात काम करेगा, जो दुकान खोलेगा, जो दुकान बढ़ाएगा, जो पैसे कलेक्शन करेगा, जो डे टू डे के खर्चों को करेगा वो आप ही करोगे, मतलब ऑपरेशंस भी आपके, फ्रेंचाइजी भी आपकी, प्रॉफिट भी आपका, आपको सिर्फ एक रॉयल्टी देनी है कंपनी को, तो ये होता है फ्रेंचाइजी ओन्ड, फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। दूसरा मॉडल क्या होता है? FOCO, फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। यहां पर
पैसे आपके लगेंगे लेकिन ऑपरेशंस कंपनी के होंगे। ऑपरेशन से हमारा मतलब है दुकान कंपनी खोलेगी, दुकान बढ़ाएगी कंपनी, पैसे वो गिनेगी, डे टू डे के एक्सपेंसेस कंपनी करेगी, आपको नहीं करने हैं। अगर हम कुछ एग्जांपल्स लें जो आपको फ्रेंचाइजी मिल सकती हैं, तो दोस्तों फूडबोट एक कंपनी है जो आपको फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल दे रही है। 7x12 आइसक्रीम है हमारे पास जो आपको फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल दे रही है। और भी आपको बहुत सारी अलग अलग फ्रेंचाइजीज होती हैं जो फोको मॉडल के फ्रेंचाइजी देती हैं, तो आप इन सारे ब्रांड की फोको मॉडल ले सकते हो। आपको फोको मॉडल कब लेना चाहिए? जब आपके पास समय नहीं है बिजनेस में लगाने के लिए। तो ये समय कंपनी लगा रही है, आपने सिर्फ पैसे लगा दिए। दोस्तों नॉर्मली फोको मॉडल में प्रॉफिट मार्जिन फोफो मॉडल से कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशंस कंपनी की होती है, तो कंपनी अपने ऑपरेशन के भी खर्चे लेके जाती है और साथ ही साथ आपके प्रॉफिट मार्जिन में से भी एक हिस्सा कंपनी के पास पहले ही चला जाता है जो आपको पता भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पर रिस्क आपका बहुत कम होता है, क्योंकि डे टू डे के जो खर्चे हैं, बिजली का बिल है, स्टाफ की सैलरी है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं, ये सारे खर्चे कंपनी कर रही है। इन खर्चों का जो लोड है वो आपके ऊपर नहीं है, इसलिए आपका लॉस का चांसेस मिनिमाइज हो जाता है, प्रॉफिट भले ही कम आए या ज्यादा आए। लेकिन इसके विपरीत फोफो मॉडल मतलब फ्रेंचाइजी ओन्ड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड मॉडल में आपके लॉस के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर सारे खर्चे आपने करने हैं और आपका जो प्रॉफिट है वो अगर आपके खर्चों से कम आया तो आपको लॉस हो जाएगा। अगर आपका प्रॉफिट आपके खर्चों से ज्यादा आया तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। अगर आपकी सेल्स ज्यादा होती हैं, आपका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होती है, तो आपको फोफो मॉडल होना चाहिए। जिस बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन कम हो उसको फोको मॉडल लेना चाहिए। तो दोस्तों ये था दो मॉडल, फोफो मॉडल एंड फोको मॉडल। तीसरा मॉडल होता है कोको मॉडल, कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। दोस्तों बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जैसे पेट्रोल पंप की फ्रेंचाइजी होती हैं स्पेशली, वो कोको मॉडल पर ज़्यादा ऑपरेट करती हैं। आपने देखा होगा कि ये आउटलेट कंपनी का है, ऐसे पेट्रोल पंप पे लिखा होता है, मतलब कि कंपनी का ही खुला हुआ आउटलेट होता है और कंपनी ही ऑपरेशन करती है। तो फ्रेंड्स ये तीन मॉडल थे फ्रेंचाइजी के, फोफो मॉडल, फोको मॉडल एंड कोको मॉडल। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करें कि फ्रेंचाइजी किस किस टाइप की होती है, मतलब कैटेगरीज ऑफ फ्रेंचाइजी किस किस तरह की फ्रेंचाइजी होती हैं। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा चलती हैं और आप सभी लोग इसमें इंटरेस्टेड होते हो, ये है दोस्तों फूड एंड बेवरेजेस की। दोस्तों फूड एंड बेवरेजेस में फ्रेंचाइजी बताओ के पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे कि आप काठी क्वीन की ले सकते हैं, मोमो मैजिक कैफे की ले सकते हैं, रोल सिंह की ले सकते हैं, फूड बोर्ड की ले सकते हैं, हंगर आउट पिज्जा की ले सकते हैं। ऐसे बहुत से अलग अलग फ्रेंचाइजी मॉडल फ्रेंचाइजी बताओ के पास अवेलेबल है, जहां पर हम आपको फूड एंड बेवरेजेस की फ्रेंचाइजी दिलवा सकते हैं। ये सभी बिजनेसेस खाने पीने में डील करते हैं, मतलब कि रेस्टोरेंट बिजनेस हैं, तो ऐसे बिजनेस की फ्रेंचाइजी को हम बोलते हैं फूड एंड बेवरेजेस। दोस्तों इसमें जो टी कॉफी का बिजनेस है ये भी फूड एंड बेवरेजेस में आएगा। अगर किसी का कोई पैक्ड फूड का बिजनेस है तो वो भी फूड एंड बेवरेजेस के बिजनेस में आएगा। तो फूड एंड बेवरेजेस में क्या होता है, क्योंकि ये एक ड्यूरेबल बिजनेस है, अगर कोई एक आपका ग्राहक बनता है तो बार बार आपके पास आने के चांसेस होते हैं, ज्यादा माउथ पब्लिसिटी के चांसेस होते हैं। जब लोग फूड एंड बेवरेज के रेस्टोरेंट में आते हैं तो कई बार वो बर्थडे पार्टीज के लिए भी आते हैं, सेलिब्रेशंस के लिए भी आते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपको प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा होते हैं। और फूड एंड बेवरेजेस में भी कई अलग अलग मॉडल्स होते हैं, जैसे कि क्लाउड किचन मॉडल, टेक अवे मॉडल, डाइन इन मॉडल, ड्राइव थ्रू मॉडल, बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स होते हैं। दोस्तों पहली कैटेगरी ऑफ बिजनेस जो मैंने आपको बताई वो बताई फूड एंड बेवरेजेस की। इसके बाद जो अगली कैटेगरी है, जो बहुत ही रिनाउंड कैटेगरी है, वो भी उसके भी आपको कभी भी बिजनेस में कमी नहीं आने वाली है, वो है एजुकेशन बिजनेस मॉडल। हर आदमी सारी जिंदगी कुछ ना कुछ सीखता रहता है। मैं 38 ईयर्स ऑफ एज का हूँ और अभी भी मैं कई सारे अलग अलग कोर्सेज में एनरोल करता हूँ, नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करता हूँ, और मेरे ख्याल से आप लोग भी करते होंगे। तो ये एजुकेशन बिजनेस मॉडल है, ये कभी ना खत्म होने वाली इंडस्ट्री है। दोस्तों अगर हम एजुकेशन बिजनेस मॉडल की बात करें तो इसमें भी बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स होते हैं, जैसे कि कोचिंग सेंटर हो गया, जैसे कि प्ले स्कूल्स हो गए, जैसे कि दोस्तों प्राइमरी स्कूल की फ्रेंचाइजी हो गई, कोई दोस्तों स्किल बेस्ड कोर्सेज की फ्रेंचाइजी हो गई, ऑनलाइन कोर्सेज की फ्रेंचाइजी हो गई। तो ऐसे बहुत सारे एजुकेशन इंडस्ट्री की अलग अलग कैटेगरी की फ्रेंचाइजी आपको मिल सकती हैं। दोस्तों जिसमें कि मैंने अभी पिछले कुछ दिनों में वीडियो डाले थे, जिसमें कि IVC बड़ा बिजनेस, जो कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा के द्वारा स्टार्ट किया गया एक बिजनेस है, उसकी फ्रेंचाइजी आपको मिल सकती है। दोस्तों ट्रस्ट एडुकॉम एक ऑनलाइन एजुकेशन फ्रेंचाइजी है, वो आपको मिल सकती है। DM स्टेप्स जो कि डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट की फ्रेंचाइजी है, जहां पर कि आपको जो पैसा लगना है पहले महीने में पूरा का पूरा ब्रेक इवन आपको वापस आ जाता है, उसकी फ्रेंचाइजी आप ले सकते हैं। दोस्तों BPPS भारतीय प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान, इसकी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। हमारे पास दोस्तों और भी इसके अलावा कई सारे
एजुकेशन इंस्टीट्यूट के फ्रेंचाइजीज हैं। अगर आप किसी ऐसे फ्रेंचाइजी को जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। सो दोस्तों, इस एजुकेशन के बाद जो अगली फ्रेंचाइजी मैं आपको बताने वाला हूँ वो फ्रेंचाइजी बिजनेस कंसल्टिंग की, या फिर आप कह सकते हो सर्विस बेस्ड फ्रेंचाइजी। दोस्तों, जहां पर आप सर्विसेज प्रोवाइड कराते हो ना कि कोई प्रोडक्ट। दोस्तों, ऐसे बिजनेसेस में आपकी लागत भी कम आती है और आपके प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि सर्विस में हमेशा से प्रॉफिट ज्यादा होता है। इसमें आप स्पीड फोर्स की फ्रेंचाइजी ले सकते हो, अगर आप चाहो तो हमारी फ्रेंचाइजी बताओ की फ्रेंचाइजी ले सकते हो, एक क्यूब डिजिटल मार्केटिंग की फ्रेंचाइजी ले सकते हो। तो कई सारी आपको अलग अलग फ्रेंचाइजी इसमें भी मिल जाएंगी। साथ ही साथ फैशन या प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी, ये भी कैटेगरी बहुत चलने वाली कैटेगरी है। अगर आपको नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो फैशन या ब्यूटी में कर सकते हो, इसमें भी आपको अलग अलग फ्रेंचाइजीज मिल जाएंगे। दोस्तों, फैशन और ब्यूटी के अलावा हेल्थ सप्लीमेंट्स एंड मेडिकल की फ्रेंचाइजी, हेल्थ एंड मेडिकल की फ्रेंचाइजी आपने देखा होगा कि अभी कितनी ग्रूम करी है, ये फ्रेंचाइजी बहुत ज्यादा चलने वाली फ्रेंचाइजीज हैं। तो इसमें आप संजीवनी मेडिकल की फ्रेंचाइजी ले सकते हो, दोस्तों इसमें आप केवा की फ्रेंचाइजी ले सकते हो, और साथ ही साथ दोस्तों आपको कई सारे फूड सप्लीमेंट्स की फ्रेंचाइजीज भी इसमें मिल जाएंगी, और ये बिजनेस भी दोस्तों ग्रोइंग बिजनेस है। और फ्रेंड्स, इसके अलावा एंटरटेनमेंट बिजनेस की फ्रेंचाइजी, ट्रेवल एंड टूरिज्म की फ्रेंचाइजी, ये सारी फ्रेंचाइजी भी दोस्तों बहुत अच्छा सेक्टर है। इन सारे सेक्टर्स में भी आपको कई सारे बिजनेस ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। लास्टली दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा रिटेल बिजनेस। रिटेल बिजनेस में दोस्तों ग्रोसरी हो सकता है, गिफ्टिंग हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। दोस्तों, रिटेल बिजनेस में क्या होता है कि आप प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हो, आपके पास एक शॉप होती है, उस शॉप की आपको फ्रेंचाइजी मिल जाती है। जैसे 99 स्टोर की फ्रेंचाइजी आपने देखी होंगी, आप स्टोर 99 की आपने फ्रेंचाइजी देखी होंगी, ग्रोसरी फॉर यू की देखी होगी। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी फ्रेंचाइजीज हैं जो कि आप रिटेल सेक्टर में ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि फ्रेंचाइजी क्या होती है, फ्रेंचाइजी के मॉडल कौन कौन से होते हैं, और कौन कौन सी कैटेगरी की फ्रेंचाइजी आप ले सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फ्रेंचाइजी लें या ना लें, क्योंकि ये भी बड़ा क्वेश्चन रहता है कि हम किसी बिजनेस की फ्रेंचाइजी को स्टार्ट करें या ना करें। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें आपको क्या और जानकारी चाहिए, आप मुझे कमेंट जरूर करें। और इसके अलावा मैंने गूगल फॉर्म दिया हुआ है, आप उस गूगल फॉर्म को फिल कर भी आपके मन में कुछ आप अगर कुछ भी पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बिजनेस से रिलेटेड नए नए वीडियो इसी चैनल पर बना के लाऊंगा, और नए नए ब्रांड्स भी आपके लिए लेकर आऊंगा। और दोस्तों, हमने कॉन्टेस्ट चलाया हुआ है आत्मनिर्भर भारत बिजनेस कॉन्टेस्ट, उसमें आप पार्टिसिपेट जरूर करिए, क्योंकि उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आप भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।